नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम केजरीवाल ने आगामी 2022 चुनाव में यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ यूपी में अब अपनी पार्टी की सक्रियता को बढ़ा दिया है, जिसके चलते संजय सिंह के खासा सक्रिय होने के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उनका यूपी सरकार के साथ शिक्षा व अन्य मुद्दों को लेकर बहस का कार्यक्रम है। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की, तो वहीं आप नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ने दिल्ली शिक्षा मॉडल को लेकर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें ट्विटर बाढ़ छिड़ गया था, तो वहीं इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली डिप्टी सीएम का आगमन हुआ है। ऐलान करके आज लखनऊ में हूँ और मुझे उम्मीद है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में उनके सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा किए गए स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों में हुए सुधार पर, वहाँ रिजल्ट में हुए सुधार पर, उत्तर प्रदेश की बिजली पर, पानी पर, अस्पतालों पर, रोजगार पर, किसानों पर पूरी खुली बहस करने के लिए आज समय देंगे। मैंने पहले से आज की तारीख का ऐलान कर दिया था, आज उस ऐलान के फॉलो करते हुए मैं आज लखनऊ में आ गया हूँ। अभी मैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हूँ, अभी तक उन्होंने कोई समय नहीं दिया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खुली बहस करना चाहेंगे, भागेंगे नहीं। मैं 1 बजे गांधी भवन में उनका इंतज़ार करूँगा और उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल वर्सेज दिल्ली में केजरीवाल मॉडल पर खुली बहस के लिए मैं फिर से उनको कहता हूं कि आपके निमंत्रण पर मैं लखनऊ में हूं, आप आइए, आके बात करते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं के मुंह से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, इन पे बात सुनी है। अच्छा लगेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को कि उनके नेता शिक्षा पर बहस कर रहे हैं, भाग नहीं। सुबह में बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों को सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें प्रशासन ने समस्त सुविधाओं को इन रैन बसेरों में मुहैया कराया है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने डीएम अभिषेक प्रकाश खुद निरीक्षण करने निकल पड़े। बता दें कि डीएम ने लक्ष्मण मैदान के पास कुल 23 परमानेंट और 16 स्थायी रैन बसेरों को बनवाया है, तो इसमें कोरोना मानकों का भी ध्यान रखा गया है। तो साथ ही बता दें कि यहाँ मॉडर्न रैन बसेरों में व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन और ठंड से बचने के सभी इंतजाम किए गए हैं, तो साथ ही यहाँ सफाई के लिए कर्मचारियों को निर्देशित भी टीम द्वारा किया गया है। देखिए, शीतलहर के दृष्टिगत पूरे जनपद लखनऊ में, वो नगर निगम के क्षेत्र में हमारे 23 अस्थाई जो परमानेंट है और साथ ही साथ 16 टेम्प्ररी रैन बसेरे चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ रैन बसेरों को हम लोग मॉडल रैन बसेरा बना रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है, जहाँ पर फ्री में निःशुल्क भोजन भी दिया जा रहा है जो भी आगंतुक गण है। तो यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए गए हैं, 3 सेक्शन है रादर, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए और एक उन लोगों के लिए जो लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं किसी न किसी कारण से, विशेष रूप से अगर उनका इलाज चल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए 2 वक्त का भोजन इनको फ्री किया जा रहा है। और साथ ही साथ कल सुबह से यहाँ पे लोगों के लिए योगा भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि वो स्वास्थ्य लाभ भी लेकर सकें। प्राथमिकता यही है कि 100% साफ़ सफाई, साथ ही साथ कोविड के टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं रैंडम, जैसे कि एक टीम यहाँ पर कार्यरत भी है और इनकी 100% रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिगत और सुरक्षा के लिए यहाँ पर फोर्स भी तैनात है। और रातें बहुत ज़्यादा सर्द होने लगी हैं सर, और दूसरे क्या रैन बसेरों में कोविड को लेकर कोई रोड मैप अलग से रहेगा? देखिए, हम हर एक रैन बसेरे में प्रतिदिन रैंडम कोविड टेस्ट करा रहे हैं और साथ ही साथ जो कोविड हेल्प डेस्क हमारा है वो रैन बसेरे में एंट्री के पहले ही फंक्शनल है, जिसमें अनिवार्य रूप से आपका पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर रखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर उसमें कुछ थोड़े भी सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित कर दिया। सीएम योगी के जनपद गोरखपुर में सरकारी योजनाओं में पलीता लगाने की खबर सामने आई, जहां ब्लॉक जंगल कौड़िया के ग्राम जगुआड़ में परमात्मा मौर्या के द्वारा शिकायती पत्र में विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाए गए, तो वहीं ग्रामीणों ने आवाज उठाई है, तो वहीं अधिकारियों को शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी यहाँ कोई अधिकारी अभी तक जांच के लिए नहीं पहुंचा। बता दें कि आरोप है कि प्रधानपति ने सरकारी पैसों की बंदरबांट कर ली है, तो वहीं मनरेगा के कार्ड बनवा कर यहाँ धन आहरण भी किया है, तो 16 लाइट भी धांधली के साथ खरीदी गई है। तो इस विषय में जब BDO साहब से बात की तो उन्होंने ADO पंचायत द्वारा जाँच कराकर कार्रवाई की बात को कहा। ग्राम सभा जमुआर में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। 2016-17 से लेकर 2019-20 तक सत्र जो है सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे ग्राम सभा में 16 लाइट के लिए पैसा आया 1,93,500 रुपया, लेकिन गांव में मात्र 8 16 लाइट लगा, 4 वो भी सांसद कोटे से, 4 प्रधान कोटे से। और स्कूल बाउंड्री वार के नाम पर टोटल मेरे स्कूल में एक भी कार्य नहीं हुआ है विगत 5 वर्षों में।
और टोटल 5,66,000 रुपया निकाल लिया गया जिसकी कोई भी विकास नहीं कहीं किया गया। सर इस बात के कोई पुख्ता सबूत हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे पास इसका पुख्ता सबूत सभी हैं, हमने सारे बिल निकलवा लिए हैं और आपको सर हम दिखा देते हैं। आप या सर ये देखिए सर, प्राथमिक विद्यालय बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान 1,63,416 रुपया। ऐसे ही कई सारे बिल हैं जिसमें सब मिला के टोटल जो है इतना पैसा निकाला गया है। और देखिए आपका यहाँ प्रधान के अकाउंट नंबर है लिखा है पूरा आदिशक्ति ब्रिक फील्ड को जिसमें भुगतान किया गया है। ऐसे ही हर काम पर इन्होंने फर्जीवाड़ा करके निकाला है। इंडिया मार्का हैंडपम्प रिबोर के नाम पे 2,51,060 रुपया निकाला गया है जब कहीं भी इंडिया मार्का हैंडपम्प रिबोर नहीं किया गया ना ही कोई लगाया गया है। टोटल 14 हैंडपम्प है जिसमें से 7 चल रहे मौजूद मार्क पे लेकिन बाकी नहीं चल रहे हैं। और साफ सफाई का मटेरियल जो है हमारे ग्राम प्रधान जी ने कंप्यूटर के दुकान पे भुगतान किया है। तो इस घोटाले को लेकर के आप ग्रामीण आज मीडिया के नज़र में ये खबरें आई, ये बात, ये सूचना दिया, तो इस घोटाले को लेकर के उच्च अधिकारियों तक जैसे DPRO को आपने सूचना दिया क्या? हमने इसकी जानकारी DPRO महोदय के दिया, जिलाधिकारी महोदय दिया, जिलाधिकारी महोदय ने जांच के लिए आदेश कर दिया है। जब हमने सचिव और BDO से बात करना चाहा, BDO सचिव साहब ने डायरेक्ट मना कर दिया कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब फिर भी हमने IGRS डाला कि हमने देखा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाई, उन्होंने ये भी रिपोर्ट लगाया कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। फिर हम सारे साक्ष्य के साथ उनके सामने पेश भी हुए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। समस्या यह है कि जब से यहाँ की टंकी लगी पानी की पूरे गाँव में सप्लाई दे दिया गया, लेकिन 50% कभी जो है हमारे गांव का आदमी जो है स्वच्छ पानी नहीं, पानी पीने के लिए सब गंदा पानी, चोकला पानी सब मिलता पीने के लिए और नियमित से जो सप्लाई भी नहीं मिलता है। जो इस बाबत आपने कभी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में यह मामला लेकर किया? हम तो मेंबर है, हम तो सदस्य भी यहाँ के नहीं है, लेकिन आपसे कह रहे जब आप है हम यहाँ के निवासी तो हैं यहाँ के, इस बात को पूरा गांव जानता है, हर बच्चा बच्चा जानता है कि तो आप पानी समस्या आपका है। कहने का मतलब है कि पूरे ग्राम सभा के लोग स्वच्छ पानी जो होता है, शुद्ध रूप से पानी होता है, वो पीने नहीं मिलता उनको नहीं मिलता। तो जो यहाँ के प्रधान अगर कहा माना जाता है तो गांव के प्रधान, अगर गांव की कोई समस्या होती है, ग्रामीणों की कोई समस्या होती है तो गांव के प्रधान के द्वारा उस समस्या का निराकरण किया जाता है, लेकिन क्या अभी मतलब उनको नहीं पता? जैसे सर प्रधान हैं वैसे आप हैं, मेंबर का काम केवल कहना है कैसा शिकायत हो रहा है। हम प्रधान से 10 बार कहे, अच्छा, जैसे आप से भी कह रहे हैं बिल्कुल, और अच्छा जब लोग नहीं सो रहा है तब कहते भाई यहाँ सप्लाई जो सही नहीं मिला पीने के लिए, मेन बात यह है। ठीक है, हमने ये जो निर्माण कार्य हुआ है ये कब हुआ था? ये काफ़ी पहले हुआ था 2017 में। 2017 में इस प्रधान जी के कार्यकाल में? नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं। अभी तो बताया जा रहा है कि ये 500 मीटर का जो खरंजा लगा है काफ़ी लंबा बजट इस पर सेक्शन हुआ था। हाँ हुआ था इस पर, लेकिन कार्यक्रम पूरा अभी हुआ नहीं लगा था। पूरा हुआ नहीं है, भुगतान बस हुआ है। भुगतान हुआ है, करीब 150 मीटर का खरंजा लगा है यहाँ पे, मात्र 150। उसके पहले ये नाली निर्माण कार्य हुआ था, खरंजा इसके बावजूद नहीं लगा। अब खरंजे के अंतराल में देखिए जितने भी ईंट के रास्ते निकाले गए हैं न अवगत कराया गया, ना फिर से दोबारा लगाने की उम्मीद की गई। हाँ पूछने पे कोई काम भी नहीं हुआ यहाँ, और वैसे भी दिखाई भी नहीं दे रहा, आप सब देख सकते हैं। नहीं अवगत क्या कराया गया, मतलब अवगत यहाँ निर्माण के जो खड़ंजे निकाले गए थे यहाँ से नाली जड़ाए गए, नाली कार्यकाल में हुआ नहीं, और भी जो बचा है वो खड़ंजा बीच में लगाना, यानी पुराने ईंटों को निकाल लिया गया था, वो आपकी जानकारी में नहीं था, कौन निकाला था ये बता सकते हैं? प्रधान के कार्यकर्ता द्वारा। अच्छा प्रधान, कौन प्रधान? वर्तमान प्रधान मोहन प्रधान। अरे कुछ निर्माण कार्य, जैसे एक कच्ची भवन बनते रहे हैं और जब हम लोग आए हैं उसके पहले ही बाउंड्री एक मास्टर साहब थे वो थोड़ा कराए हुए थे अधूरी। कब? हम समझे बताता प्रसाद का थे, सर अभी एक हमारे पास एक जानकारी आई है 7/3/2018 को एक पेमेंट एक चेक क्लियर हुआ है जिसमें से 1,63,416 रुपए की बाउंड्री निर्माण के मद में आपके विद्यालय पे खर्च किया गया है। ऐसा कुछ नहीं जी, आपसे कहिएगा सर 7/3/2018 को एक चेक आहरित की गई है 1,63,416 रुपए की जिसमें आपके विद्यालय के बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य के मद में यह धन आवंटित हुआ है। नहीं, नहीं हुई है बाउंड्री या कोई काम बाउंड्री का नहीं हुआ। सीतापुर जेल में बंद रामपुर सांसद आजम खान की पत्नी
विधायक तंजीम फातिमा की देर शाम रिहाई हो गई। वह अपने पति व छोटे बेटे के साथ बीते 10 महीनों से यहां सीतापुर की जेल में कैद थी। बुजुर्ग विधायक जेल की महिला बैरक में थी। तंजीम फातिमा को अब जमानत मिल गई है तो सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी भी सीतापुर जेल में बंद है। जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान तंजीम फातिमा ने कहा कि वे सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी। उनकी सत्यनिष्ठा सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की है। वही न्यायपालिका ने उनके साथ इंसाफ किया है। विधायक की रिहाई पर उनकी बहन तनवीर फातिमा और उनके बेटे अदीब आजम व बहू सिद्रा के साथ दोनों पोतियां भी सीतापुर आई थी। बताइए, जेल के अंदर तो मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है। हाँ। बस जैसा आम कैदी रहते हैं सामान्य तरीके से वही वैसा ही रहे सहन खाना पीना सब सामान्य कैदियों की तरह था। आज के आजम खान साहब से बात हुई? आज के आजम खान साहब से आपकी कोई बात हुई निकलते समय तो कोई भी बात नहीं। फातिमा जी, आपको 10 महीने के बाद आज रिलीफ कर मिला है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे जेल प्रशासन ने अंदर? आप एक बार शायद आपके चोट भी लगी थी, आप गिर गई थी। मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मेरी पीठ में ही फ्रैक्चर हुआ जी, था। जी जी, मैं 10 महीने के बाद जेल से बाहर निकली हूँ। 10 महीने के बाद मुझे कैद से रिहाई मिली है जी। इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूँ। न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी मुझे न्यायपालिका से इंसाफ मिले। आजम खान जी के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहा ना कि न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिला है तो उन्हें भी इंसाफ। सीतापुर में अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास व पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति को जाना तो साथ ही समयावधि में पात्रों को आवास दिए जाने की बात को कहा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत यूपी में 7 लाख आवासों का बनना तय है, जिसमें सीतापुर में 42,000 आवास बनाए जाएंगे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। तो साथ ही अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने महोली विकास खंड के ग्राम पंचायत रहमतपुर ग्रंट में मनरेगा योजना के चलते पटाई कार्य का निरीक्षण भी किया। 7 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश को मिले हैं, उसमें लगभग 42,000 घर सीतापुर के लिए, और इनका 24 तारीख तक सभी 7 लाख घरों को स्वीकृत करना है। और एक ये कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक साथ सभी लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि ट्रांसफ़र करने की बात है। तो वो कार्यक्रम कभी भी 25 से 30 के बीच में लग सकता है, तो उसी की तैयारी के लिए और उसी को तेज करने के लिए मैं आया था। तो लगभग 17,000 घर यहाँ पर सैंक्शन होने के लिए और बाकी हैं, शेष सैंक्शन हो चुके हैं, तो ये अगले 3-4 दिन में इनको करना है। सर, कुछ निरीक्षण भी करने के लिए? हाँ, अभी मैं एक जिला पंचायत जो सड़क बना रही है वो देखूंगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो ONM का ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम है वो देखूंगा और नरेगा का कुछ काम देखूंगा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जिस ओवरब्रिज का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया तो वो महज 2 साल में ही जर्जर हो गया, तो कार्यदाती संस्था पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब जिलाधिकारी ने दल बल के साथ यहां टूटे पुल का निरीक्षण किया तो वहीं मरम्मत के निर्देश देते हुए जर्जर स्थिति को देखकर जिम्मेदारों को जमकर फटकार भी लगाई। DM वैभव श्रीवास्तव के रौद्र रूप को देखकर महातों के पसीने छूट गए। तो वहीं शहर के मामा चौराहे स्थित उपरगामी सेतु 2 साल पहले ही बना था जो अब जर्जर हो चुका है। ये सेतु निगम द्वारा 2 से 3 वर्ष पहले बनाया गया पुल है और जिसमें काफ़ी दरारें जैसी आ गई हैं जो उसके जॉइंट्स उनमें कमजोरी आई है, तो उसके लिए कल से इसको डाइवर्टन दिया जा रहा है और यहाँ का 20 दिन के अंदर 15 से 20 दिन में इसको पूरे वापस को मरम्मत करके फिट कर दिया जाएगा। सर, कार्रवाई संस्था पर कोई कार्रवाई हुई क्या? इसमें जो शासन स्तर से कार्रवाई की जा रही है, जो दोषी हैं उनकी कार्रवाई। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के नेहत्ता गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के लोग सन्न रह गए तो वहीं आनंद फानंद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को CSC में भेजा। यहां घायल को 4 गोलियां लगी थी तो वहीं उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। तो वहीं जिला अस्पताल में अब उसको रेफर किया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना पर SP ने घायल का हाल जाना और बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम को गठित किया। एक पंकज तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, ये अपने घर लालगंज थाना क्षेत्र से अपने घर थाना खीरो
जा रहे थे, वहीं थाना खीरो के बॉर्डर पीछे से मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाश आए जिन्होंने इन पर फायरिंग करी है और इन्हें गनशॉट इंजरी हुई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इन्हें अभी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और इनके उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस अभियोग के अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया गया। सर कितने शॉट्स हैं और क्या कुछ ज्ञात लोग थे उसमें? अभी जो इन्होंने बताया है कि वो लोग अपरिचित थे और किस कारण हुआ, क्या रंजिश थी, इस बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और शॉट्स के बारे में अभी डॉक्टर्स कंफर्म करेंगे। वहाँ मौके से कुछ कोके बरामद हुए जिनको कि हम तस्दीक करें। झांसी के मऊरानीपुर के बड़ा गांव में दबंगों ने सरकारी जमीन पर मकान का गैराज चबूतरा का निर्माण कराकर अवैध कब्जा कर लिया, तो साथ ही सरकारी हैंडपंप को भी मकान के अंदर कर लिया। उक्त अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है तो वहीं कार्रवाई की मांग भी की है। उन लोगों ने जो अति कब्जा कर लिया था उस पर रास्ता जाम कर दी मुसलमानों ने, बज्जू खां इस्माल खां, और उनको रोका तो उन्होंने माना नहीं है। एसडीएम साहब से पहली बार गई थी साहब, तो इन्हें थाने के आदमी भेजे थे तो उन लोग बे लोग वहाँ पर पहुँचे मान गए। अब उन्हें दोबारा रात दिन रात में काम लगा के पूरा बंद कर लिया। नाम से नहीं कहा प्रधान ने, क्या किया प्रधान जी ने? कल मना की बोले तुमने क्यों मनाया, तो मानी भाई कई कोई बात क्यों नहीं मानी, उन्हें नहीं मानी। अभी आपने एप्लीकेशन दी है जो, हाँ उसमें क्या आश्वासन आपको? उसमें अभी साहब को दी हमने, अब वो क्या रिजल्ट देते हैं? टंकी की जमीन है सर का, हमको जमीन चाहिए टंकी की, रास्ता में रास्ता ही है टंकी की जमीन। क्या कहा अभी? अभी कुछ नहीं कहा, हमने लेके दे दी। सारे मामले से आपको दिक्कत क्या है? जी दिक्कत साहब को वहाँ सकून आए सभी लोगों निकलने में। ये कल शाम को संज्ञान में आया था कि वहाँ पे पानी की टंकी की जगह है जो सरकारी भूमि है, वहाँ पे कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे लेखपाल साहब और थाने से पुलिस वहाँ पे गई थी और वो मौके पे काम रुकवा करके आ गए हैं। यहाँ पे हमारी अभी हमने तहसीलदार के अंतर्गत में यहाँ पे टीम बना दी है, जो भी वहाँ पे अवैध अतिक्रमण पहले अगर कोई किया है तो उसको तत्काल हटवा करके उसमें मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।